राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल को आप सुन रहे थे, खास तौर पर सिरसा पहुंचे अपने वोट हक का इस्तेमाल करने। उधर फरीदाबाद से कांग्रेस ने अवतार भड़ाना को चुनाव मैदान में उतारा है, जिनका मुकाबला बीजेपी के मौजूदा सांसद कृष्णपाल गुर्जर से। अवतार भड़ाना से खास बातचीत की दीपक कुमार। कांग्रेस के उम्मीदवार अवतार सिंह भड़ाना हमारे साथ हैं। अवतार सिंह भड़ाना ने चुनाव आयोग को एक शिकायत की है, क्या है वो शिकायत इसके बारे में जानते हैं अवतार भड़ाना से। भड़ाना साहब, ये शिकायत की आपने चुनाव आयोग को, क्या है ग्राउंड? देखिए, मैंने ये कहा कि अब तो राष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री जी के बाद सारी शिकायत जो की है आपने चुनाव आयोग को, वो शिकायत क्या है? वो ये है कि उन्होंने रात को वायलेशन किया है कोड ऑफ कंडक्ट का कृष्णपाल जी ने जी। और उसे 1,70,00,000 की पर्चियां उनका विद फोटो रात को पैसे के साथ बटी हैं, उसकी हमने कंप्लेंट की है, सबूत दिए हैं चुनाव आयोग को। किस तरह के सबूत हैं वो? सारे सबूत उनको, पुख्ता सबूत उनको दे दिए गए हैं, और उसकी इंक्वायरी कर लें। मैं समझता हूँ कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन हुआ है, तो वो उनका पर्चा जो है उन्होंने खर्चे में ऐड नहीं किया। खर्चा इज नॉट पार्ट ऑफ देयर एक्सपेंडिचर। हाँ, तो उसमें उन्होंने नहीं किया है जो कि उसमें ऐड करना चाहिए। अगर वो खर्चा ऐड होता है तो उसका पर्चा खारिज होना चाहिए। तो किस तरह का आश्वासन मिला चुनाव आयोग से आपको? हाँ, उन्होंने कहा निश्चित तुरंत इस पर एक्शन करेंगे। अच्छा, हम देख रहे हैं कि आप वोट डालने नहीं गए, क्या वजह? आप और बेटा यहाँ हैं, पत्नी और बेटी जो है वोट डालने गई हैं, तो क्या इसके पीछे वजह? दरअसल मेरा और मेरे बेटे का वोट यूपी में है, और मैं यूपी से छोड़कर आया था, तो मुझे वोट ट्रांसफ़र कराने का समय नहीं मिला था। अनलफल में जल्दी में मेरा चुनाव हुआ था, फैसला किया था मैंने, तो उसमें कोई बात नहीं, पूरे देश में वोटर होना चाहिए इस देश का। चलिए, अब आपने पूरी तैयारी करके चुनाव लड़ा, लोगों के बीच में गए, लोगों के बीच में मुद्दे रखे, आज फैसले का दिन है, किस तरह की उम्मीद है? 100% इस फरीदाबाद के लोग, जिन मुद्दों को लेकर मैंने चुनाव लड़ा है, उन पर पूरा उस बॉर्डर से लेकर उस बॉर्डर तक सभी ने इसको सराहा है। तो ये थे अवतार सिंह भड़ाना, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जीत उनकी पक्की है, क्योंकि जनता ने इस बार उनका चुनाव लड़ा है। साथ ही साथ अवतार सिंह भड़ाना ने आचार संहिता के उल्लंघन की एक शिकायत चुनाव आयोग को की है, जिस पर वो लगातार कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि अवतार भड़ाना के जो दावे हैं वो कहाँ तक सही साबित होंगे। दीपक कुमार, न्यूज 18, फरीदाबाद। आप सुन रहे थे फरीदाबाद से कांग्रेस के उम्मीदवार अवतार सिंह भड़ाना को। ये वही चेहरा है जो पहले अमित शाह के साथ मुलाकात करके यहाँ से बीजेपी की तरफ से फरीदाबाद से टिकट की मांग कर रहे थे। जब लगा कि आप मौजूदा सांसद को बीजेपी टिकट देगी, तो फिर एन वक्त पर कांग्रेस के पाले में चले गए। मेरठ से टिकट मिलने की उम्मीद थी, वहां पूरी नहीं हुई, तो फरीदाबाद में टिकट ऐसे मिली कि पहले ललित नागर को आलाकमान ने टिकट दिया, और फिर ललित नागर का टिकट काट कर अवतार सिंह भड़ाना को मैदान में उतारा गया और दावा कर रहे थे जीत का। छोटा सा ब्रेक यहां पर लेंगे, ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो बात करेंगे आज जो सीटें हैं 10 की 10 लोकसभा सीटें, जहां चुनाव हो रहा है, हर सीट क्या कहती है, क्या वहां के समीकरण इस बार बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, और कौन होगा मास्टरमाइंड जो दांव खेल गया उम्मीदवार उतारकर चुनाव मैदान में, चाहे किसी को हराने के लिए या